हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है डिमांड पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज डिमांड के अदर कॉन्सेप्ट्स। अदर कॉन्सेप्ट्स में डिमांड का रिलेशनशिप, डिमांड और इनकम का रिलेशनशिप आज हम पढ़ेंगे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमें पता है कि इनकम जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, हम डिमांड भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर इनकम हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो हम किसी भी कमोडिटी को परचेज करने की, जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो हम उसे ख़रीद नहीं पाएंगे, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो जो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, अगर डिमांड कर्व हम ऐसा ड्रॉ करें जो रिलेशनशिप बताएगा, यहाँ हम शो कर रहे हैं इनकम को और यहाँ हम शो कर रहे हैं यहाँ हम शो कर रहे हैं इनकम को, यहाँ हम शो कर रहे हैं क्वांटिटी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ज़ीरो है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी, हमारी डिमांड जो है कमोडिटी की वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो हम देख सकते हैं कि अगर वाई है तो हमारी एम है, अगर वाई वन इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी डिमांड भी क्वांटिटी की बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड का। तो अगर हम डिमांड कर्व देखें, ऐसा डिमांड कर्व जो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, तो ये पॉजिटिवली स्लोप है और अपवर्ड है, जो कि पहले वाले डिमांड कर्व से डिफरेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड, लोअर इफ़ द इनकम विल बी लोअर लोअर विल बी द डिमांड। इसी तरह से अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो उसका हम देखें कि कैसा होगा डिमांड कर्व। सब्स्टिट्यूट का गुड्स का मतलब, इधर हम मान लीजिए टी ले रहे हैं, प्राइस ऑफ टी, तो हम इधर लेंगे क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कि मान लीजिए कॉफ़ी पीना है और कॉफ़ी किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह टी पी सकते हैं। अगर टी चाहिए है तो नहीं अवेलेबल है, तो हम उसको कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी इसकी जगह पर ये सामान और इसकी जगह पे ये यूज़ किया जा सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं तो दो सब्स्टिट्यूट, तो हम देखेंगे अगर प्राइस ऑफ टी, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर प्राइस टी के इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, जो डिमांड होगी कॉफ़ी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टी महंगी हो जाएगी तो हम टी ख़रीदना कम कर देंगे और इसकी जगह पे क्या करेंगे, कॉफ़ी लेने लगेंगे, कि हमें इतने पैसे देने हैं तो हम क्यों ना कॉफ़ी पी लें। इसी तरह से अगर टी के प्राइस कम हो गए, मान लीजिए टी के प्राइस कम हो गए, तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सब लोग फिर चाय पीने लगेंगे, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक कि प्राइस का दूसरे गुड्स की डिमांड से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जहाँ पर भी इसके पहले हमने देखा, यहाँ पर इनकम और डिमांड का क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था। डायरेक्ट रिलेशनशिप इससे भी पता लगता है कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। अगर डिमांड घट रही है तो इनकम घट रही है तो डिमांड भी घट रही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में अगर एरोज हैं, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वही हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जहाँ पर भी रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट होगी, वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व ड्रॉ होगा। ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व किसका है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी पॉजिटिव स्लोप्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको अगर हमें एक एक कमोडिटी चाहिए तो उसके साथ दूसरी भी चाहिए होगी। जैसे सपोज हमें कार चाहिए हो, तो कार का बिना पेट्रोल के कोई यूज़ नहीं है, कार है वो खड़ी रहेगी। अगर हमें कार चलानी है तो हमें क्या चाहिए, कार तो चाहिए, उसके साथ पेट्रोल भी चाहिए। तो जब हमें दो कमोडिटीज़ का सेम एट अ टाइम ही ज़रूरत होगी, वो कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगे, एक के बगैर दूसरा बेकार होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। ऐसे गुड्स जैसे, तो अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है प्राइस ऑफ पेट्रोल
वाई एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ कार्स। तो हम ये देखेंगे कि अगर पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ जाएं तो क्या होगा कि जो डिमांड होगी कार की वो घट जाएगी, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, कार चलाना, लोग कार अफोर्ड भी कर लिया तो उसको फिर रन करने के लिए पेट्रोल डलवाना बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो लोग कार ख़रीदना कम कर देंगे कि भाई इस पर बहुत खर्चा आ रहा है। ऐसे ही अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाए का मतलब पेट्रोल सस्ता हो गया, तो क्या हो गया, लोग कार की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। वो कहेंगे ठीक है एक बार कार में पैसे इन्वेस्ट कर दें, मगर उसके बाद तो सस्ता ही पेट्रोल डलवाना है। तो हम देख रहे हैं कि ये एरोज जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, जब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एक के प्राइस और दूसरे के क्वांटिटी दूसरे की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जहाँ पर भी रिलेशनशिप इनवर्स पाया जाता है वहाँ पर जो कर्व का स्लोप होती है वो निगेटिव होती है। तो हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो डिमांड कर्व होगा निगेटिवली स्लोप्ड होगा, जहाँ पर वो एक कमोडिटी के प्राइस की रिलेशनशिप दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी के साथ शो करता है। तो ये कुछ डिमांड कर्व्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम एंड ऑल द लेवल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।